सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए साइड में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आपका फिर से स्वागत है आपके और मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक्सपोज लूट। और मैं आज आपके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूं जो कि जिसमें मैं आपको सभी प्रकार के लैंग्वेज सिखाऊंगा जिसमें HTML, CSS और JavaScript है। तो ये मैं पहली वीडियो बनाने जा रहा हूँ HTML के ऊपर, जिसमें ये मेरा फर्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल है। इसमें मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से एंड तक पूरा HTML कैसे यूज़ करते हैं, क्या एलिमेंट्स हैं, उसके क्या वर्जन्स हैं, ये सब बताऊंगा कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसे आप पूरा अंत तक देखिएगा वीडियो, तभी आपको समझ आएगा। और वीडियो पूरा देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं और भी वीडियोस लेके आता रहता हूँ इस पर। जैसे कोई फ्री रिचार्ज की ट्रिक है, इंटरनेट की कई सारी ट्रिकें मैंने अपलोड की हैं, और भी बथेरी टाइप की ट्रिकें मैं इस पर लाता रहता हूँ। इस प्लेलिस्ट पे आपको अलग से सीखने के लिए भी कुछ मिल जाएगा, एक प्लेलिस्ट। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसके लिए क्या करना है कि आप एक अपना खुद का वेबसाइट बना सकें, वेब पेज बना सकें, या आप टेम्पलेट बना के उसे बेचना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसमें मैं आपको पूरी गाइड करूंगा क्या आपने स्टार्टिंग कैसे करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोई भी वेबसाइट बनाने से पहले आपको तीन लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेगी, जिनके नाम है, फर्स्ट HTML सीखना पड़ेगा आपको, सेकंड CSS और तीसरा JavaScript। ये तीनों बेसिकली लैंग्वेज हैं जो कि एक वेबसाइट में यूज़ होते ही होते हैं। ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है जो कि इन तीनों लैंग्वेज के बिना बनी हो, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कोई एक ह्यूमन बॉडी है वो बिना बोन्स के नहीं बन सकती, या किसी बॉडी पार्ट्स के बिना नहीं बनती है। उसी प्रकार से ये सब एक दूसरे पर डिपेंड है। तो इसकी शुरुआत HTML से होती है, और मैं आज आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि HTML क्या है और किसने बनाई है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आगे। HTML की हिस्ट्री मैं आपको बता देता हूँ। ये एक फिजिस्टियन ने बनाई थी जिनका नाम टिम बर्नर्स ली था। उनका पूरा नाम सर थॉमस जेम्स बर्नर्स ली है, जिनका जन्म 8 जून 1995 में हुआ था। यह 61 साल के हैं। इनका जन्म लंदन में यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, और इनकी एजुकेशन में इन्होंने अपनी कॉलेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पूरी की है पढ़ाई को, और यह एमिन स्कूल से पढ़े हैं, और इन्होंने सीम माउंटेन प्राइमरी स्कूल से अपनी बचपन से पढ़ाई की है, और यह द क्वीन कॉलेज ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए हैं, और इन्होंने HTML की खोज की है। मैं आपको इनके बारे में और भी बताऊंगा कि इन्होंने क्या क्या खोज की है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। HTML की हिस्ट्री में बता दूं कि सर बर्नर्स ली ने सबसे पहले इजाद की थी www, जी हाँ, www, वर्ल्ड वाइड वेब। आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करने से पहले उसके आगे www फिर डॉट लगा के आप उस वेबसाइट का URL डालते हैं। तो ये जो www है, ये सर बर्नर्स ली ने ही इन्वेंट किया है। इन्होंने ये 1989 में इन्वेंट किया था। फिर उसके बाद इन्होंने एक HTML बनाने का प्रस्ताव रखा था, जो कि 1991 में रखा गया था, और इसका इन्वेंट किया गया था। HTML का फर्स्ट इन्वेंशन इन्होंने 1991 में किया था। फिर उसके बाद सेकंड जब बनाया गया, जिसका नाम HTML प्लस रखा गया, इसको 1993 में बनाया गया, और जो नेक्स्ट वर्जन बनाए गए इनके, यो 99 में, जिसका HTML 2.0 नाम रखा गया। इसी प्रकार से अब इसके लेटेस्ट वर्जन बनते जा रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे पूरी लिस्ट में देख सकते हैं। 1997 में 3.2 आई थी, 1990 में 4.0.1 आया था, 2000 में XHTML 1.0 आया है,
2008 में HTML5 को पब्लिकली उसे पोस्ट कर दिया गया कि आप सभी HTML5 का यूज़ कर सकते हैं। 2012 में इसे लिव स्टैंडर्ड में भी इसे HTML5 को किया गया लॉन्च। 2014 में इसे W3C रिकॉग्नाइजेशन ने इसे खरीद लिया था जो कि HTML5 है। और 2016 में अभी जो इसका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो HTML5.1 चल रहा है, पर मोस्टली जो अभी लोग यूज़ करते हैं वो HTML5 है। HTML5.1 अभी ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा रहा है। तो चलिए हम अपने आगे चलते हैं। तो मैं आपको बता दूं HTML होती क्या है। जी हाँ, कोई भी अगर आपने वेबसाइट तैयार करनी है तो उससे पहले आपको ये लैंग्वेज सीखनी ही पड़ेगी, HTML। इसका नाम HTML ही सोचा गया, मैं बताऊंगा आपको क्यों। तो HTML होता क्या है? HTML इज द मार्कअप लैंग्वेज। ये जैसे कि आप जावा सीखते हैं या कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो उससे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है, पर HTML को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहा जाता है, इसे मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। तो आप इसे ध्यान रख लीजिए कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है और जिसे हम वेब पेजेस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और HTML ये 4 वर्ड मिलके ही एक HTML बनाया गया है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? H मतलब हाइपर, T मतलब टेक्स्ट, M मतलब मार्कअप, L फॉर लैंग्वेज। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। इसमें हम टैग्स का यूज़ करते हैं और HTML डॉक्यूमेंट आर डिस्क्राइब बाय HTML टैग। जो HTML है हम इसमें टैग्स को डिस्क्राइब करते हैं तब जाके हमारा एक वेब पेज बनता है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि टैग किसे कहते हैं। और चलते हैं हम आगे, वो भी मैं बताता हूँ आपको ये कैसे यूज करते हैं। तो द डॉग टाइप, कोई भी HTML शुरू करने से पहले हमें ऊपर टॉप पे डॉग टाइप डिस्क्राइब करना पड़ता है जिससे कि हमारे जो वेब ब्राउज़र है उसे पता चल जाए कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो किस टाइप का है। इसे हम डिस्क्राइब करने के लिए लिखते हैं कि अगर मैं HTML लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ तो उसे मैं टाइप करूँगा, उससे पहले कोडिंग लिखने से पहले मेरे को टॉप पे ही इसे डॉग टाइप HTML लिखना पड़ेगा ताकि जो मेरा ब्राउज़र है उसे पता चल जाए कि ये एक HTML लैंग्वेज है, इसलिए हम डॉग टाइप का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आता है HTML और स्लैश लगा के मैंने HTML को क्लोज़ किया है। अगर आप फर्स्ट लाइन में HTML लिख रहे हैं तो अगर आपने ब्रैकेट के साथ HTML को यूज़ करके इससे शुरुआत की है तो आपको स्लैश लगा के उसे क्लोज करना पड़ेगा, ये इनकी कंडीशंस है, आपने ये करना ही करना है। उसी प्रकार से जैसा कि आप देख सकते हैं कि हेड में भी इसे स्टार्ट किया गया है और स्लैश लगा के क्लोज किया गया है, टाइटल भी स्टार्ट किया गया है और इसे क्लोज किया गया है, बॉडी भी स्टार्ट की गई है इसे भी क्लोज किया है, उसी तरह से जो दूसरे टैग्स हैं इन्हें भी क्लोज किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप किसी टैग को शुरू कर रहे हैं तो उसे आपको क्लोज भी करना पड़ेगा, ये इनकी कंडीशंस है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो देखिए मैं आपको एक अपनी नॉर्मल भाषा में आपको समझाता हूँ कि HTML होती क्या है और कैसे किस लिए यूज़ की जाती है। HTML जैसा कि आप स्केलेटन देख सकते हैं, इस पूरे स्केलेटन को हम HTML समझ लेते हैं और इस पूरी बॉडी को बनाने के लिए हमने HTML का यूज़ करना है लैंग्वेज का। और उससे पहले इसके अंदर जो चीज़ें आती हैं उस चीज़ को भी मैं आपको बताऊंगा। समझ लीजिए स्केलेटन हेड से लेके फुट तक ये पूरा HTML मेरा कहला रहा है और इसके अंदर जो पार्ट्स हैं वो सब एक HTML का पार्ट है। अब हमारे HTML में मेन क्या होता है? हमारी हेड होती है और बॉडी होती है। सेम इसी प्रकार से हम HTML में भी इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और साइड में आप देख सकते हैं HTML with CSS।
अभी हम जब HTML खत्म कर लेंगे तो उसके साथ में आपको CSS भी सिखाऊंगा कि आप CSS को कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे कंपैरिजन देख सकते हैं, एक स्केलेटन है और एक मैन है जो कि लुक में काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसी प्रकार से अगर हम HTML यूज करते हैं तो HTML हम सिर्फ बोन्स बनाने के लिए, एक तरह से ह्यूमन बोन्स बनाने के लिए यूज करते हैं, तो उसी प्रकार से जो हमारा HTML है वो भी हमारा एक स्ट्रक्चर लेआउट बनाने के लिए हम HTML का यूज़ करते हैं। और फिर बाद में जब हम उसमें CSS जोड़ेंगे तो जैसा कि आप राइट साइड में देख सकते हैं, एक पूरा ह्यूमन जिसकी लुक है अच्छा है, दिखने में काफ़ी ब्यूटीफुल है, और इस तरह से हम CSS यूज़ करके उस बोन्स को इतनी ब्यूटीफुल वेबसाइट में चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको ये आगे समझा दूंगा कि आप धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि मैंने इसका मतलब क्या है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब HTML का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको स्केलेटन का एक एग्जाम्पल दिया था कि एक हेड है और बॉडी है। उससे पहले हम पूरी जो हमारी पार्ट्स बॉडी है उसे हम HTML कहते हैं। उसी प्रकार से आप इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, जैसे कि एक पूरा HTML है, ये पूरा बॉक्स हमारा HTML है। उसके अंदर हमारे क्या आता है, हेड आता है, जैसे कि आपने देखा था स्केलेटन को, हेड है हमारा। हेड के अंदर क्या आते हैं, हेड के अंदर हमारी आईज आती हैं, नोज आते हैं, माउथ आते हैं, एयर्स आते हैं, ये सारे हम टाइटल में देंगे। हेड के अंदर जो भी हम देंगे वो हमारे हेड के पार्ट्स जो हैं उन्हें हम इसके अंदर डिस्क्राइब करेंगे। नॉर्मल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कोई आप ह्यूमन है, अपनी शक्ल को देख लीजिए, आपके फेस पे क्या क्या है, आंखें हैं आपकी, नाक है, मुंह है, कान है, ये आपका एक हेड का पार्ट है। उसी प्रकार से जो HTML है उसमें भी हम हेड बनाएंगे और उसके पार्ट्स बनाएंगे, फिर हेड को हम क्लोज कर देंगे। हेड को क्लोज कर दिया हमने, फिर उसके बाद हम बॉडी बनाते हैं। बॉडी मीन्स जो हमारे शरीर के अंग है उसे हम यहाँ पे, जो हमारी सारी मेन कोडिंग होगी वो हमारी बॉडी के अंदर होगी। तो इसके लिए हम हेड क्लोज करने के बाद आपने बॉडी टैग स्टार्ट करना है, फिर इसके अंदर जो भी कंटेंट आप डालना चाहते हैं, जितने भी टैग डालना चाहते हैं, वो सारे मेन टैग इसके अंदर ही आएंगे। उसके बाद जब आप पूरे इस कंटेंट को, टैग्स को पूरे कर लें, फिर उसे क्लोज करना पड़ेगा। तो जब आप इसे पूरा कर लें, तो स्टार्टिंग में हमने HTML को स्टार्ट किया था बट क्लोज नहीं किया था, तो इसे हम एंड में क्लोज करेंगे। उसी प्रकार से हमने हेड स्टार्ट किया था, हेड के टैग्स लगाए थे, उसे क्लोज कर दिया था। फिर हमने बॉडी स्टार्ट की थी, बॉडी के अंदर टैग्स लगाए थे, उन्हें क्लोज किए थे सभी को, और बॉडी को क्लोज कर दिया था। बट हमारा HTML रह रहा था, तो HTML हम एंड में क्लोज कर दिया है हमने। तो ये हमारा पूरा एक HTML स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। तो चलिए आगे चलते हैं, मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा। ये देखिए, जो अभी हमारे पास जो लेटेस्ट है वो हमारे पास वर्जन्स हैं जो कि HTML 1991 में बनाई गई थी, और HTML 2.0 1995 में लॉन्च की गई थी, HTML 3.2 1997 में, HTML 4.0.1 1999 में, XHTML 2000 में लॉन्च की गई थी, और जो अभी हमारा लेटेस्ट चल रहा है HTML 5 2014 में लॉन्च की गई थी। तो ये जो इसके वर्जन्स हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं, आप इसे याद रखें। समटाइम ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, तो इसके हमें जानकारी होनी चाहिए। वैसे तो मैं बिलीव प्रैक्टिकल में करता हूँ, क्योंकि जो हमने सीखना है वो हमने सब प्रैक्टिकली करना है। किसी कंपनी में हम जॉब जाने लेने जाते हैं तो वहाँ हमारी थ्योरी किस काम की होती है? इंटरव्यू के समय पर ध्यान रखें, थ्योरी सब कुछ है हमारे लिए, क्योंकि फर्स्ट एक्सप्रेशन इज द लास्ट एक्सप्रेशन। तो इसी प्रकार से आपको थ्योरी की भी नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैं HTML की आपको ये इंट्रो बता रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको जितने भी ट्यूटोरियल बनाऊंगा वो सब प्रैक्टिकली होगा, क्योंकि जो आप जॉब करेंगे वहाँ आपको थ्योरी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्होंने आपसे प्रैक्टिकली करवाना है, उन्हें काम से मतलब है, ना कि आपकी थ्योरी से। तो मैंने वर्जन्स बता दिए हैं, आप इनका ध्यान रखें, याद रखें इसे।
तो चलिए मैं आगे शुरू करता हूँ इसे। अब बताता हूँ टैग्स क्या होते हैं और टैग्स कितने टाइप्स के होते हैं। टैग्स हमारे होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी भी बॉडी पार्ट्स को बनाने के लिए हम टैग्स का यूज़ करते हैं। टैग्स बहुत प्रकार के हैं, मैं आपको पूरी एक लिस्ट अभी दिखाऊंगा बाद में, नेक्स्ट वीडियो में, तो आप इंतज़ार कीजिए। टैग्स कितने प्रकार के होते हैं वो सारी लिस्ट दिखाऊंगा और टैग्स कैसे यूज़ करनी ये भी बताऊंगा मैं। तो टैग्स बता दूं, ये टैग्स दो टाइप के होते हैं। मैंने आपको वीडियो इस शुरू करने से पहले, कुछ समय पहले आपको बताया था कि टैग्स को हमेशा क्लोज करना है, पर दो तीन टैग को छोड़ के आपको सभी टैग्स को क्लोज करना है। और दो तीन टैग्स हैं, इन्हें क्लोज करना पड़ता है, ओपन करने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपने टैग का नाम लिखना है, फिर उसके बाद जो आप कंटेंट लिखना चाहते हैं वो कंटेंट लिखेंगे, फिर स्लैश पाके आपने टैग को क्लोज करना है। तो ये आपका एक टैग तैयार हो गया। और टैग दो, नॉर्मली दो प्रकार के होते हैं, एक पेयर टैग होता है और एक स्टार टैग होता है। तो पेयर टैग हम किसे कहते हैं? HTML इज नॉर्मली कम टू इन पेयर टैग, लाइक जैसे हमने टैग पी लिखा है जिसे हम पैराग्राफ कहते हैं, एंड स्लैश पी जिसे हमने पैराग्राफ को क्लोज कर दिया, और इसके बीच में जहाँ एंड है वो हमारा कंटेंट हो गया। तो ये हो गया हमारा पेयर टैग, जो शुरू हो और क्लोज हो, इसे हम पेयर टैग कहते हैं। और सेकंड है हमारा स्टार्ट टैग, जिसे हम एंड टैग भी कहते हैं। इस टैग को हम, मैं आपको बताता हूँ कि इसे स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा हम इसे क्लोज करके यूज करते हैं। इसे आपको स्टार्ट नहीं करना पड़ता कि आप पी टैग लगाएं फिर उसके बाद क्लोज करें, ऐसा कुछ नहीं। इसमें सिर्फ आपने स्लैश लगा के उसे क्लोज करना है और वो टैग वर्क करेगा। तो इसे हम एंड टैग कहते हैं। इसमें लाइक बी आर, जैसा कि आप देख सकते हैं स्लैश लगा के बी आर लिखा हुआ है, ये मेरा एंड टैग है। इसे मैंने स्टार्ट नहीं किया है क्योंकि ये सिर्फ एंड टैग है, इसलिए स्लैश लगा के इसे यूज करना है। इसी प्रकार से एक एच आर टैग है, इनपुट टैग को भी हम स्लैश लगा के क्लोज कर देते हैं, वरना वो आपकी मर्जी है। इनपुट टैग में वैसे बाहर भी क्लोज होते हैं, अदरवाइज आप एंड टैग की तरह भी उसे यूज कर सकते हैं स्लैश लगा के, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। आपको टैग्स के टाइप मैंने बता दिए, दो टाइप्स के होते हैं, एक पेयर टैग और एक एंड। तो अगली वीडियो का इंतजार कीजिए और मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा कि आपने HTML को कैसे यूज करना है और आप अपना वेब पेज कैसे बना सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। मैं जल्द आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आऊँगा, जिससे कि आप प्रैक्टिकली एक वेब पेज बनाना प्रॉपर सीख सकते हैं और उसे इंटरनेट पे अपलोड भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।